हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइसब्लू। मैं उटी मैन गोगोई और आज हम बात करेंगे सिल्वर, उसका फ्यूचर पॉइंट क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज। तो आप देख सकते हैं ये डेली सिल्वर चार्ट और आज सिल्वर पिवट पॉइंट 4 3 6 4 8 9, फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंट 3 8 7 6 8, सेकेंड रेजिस्टेंट 3 9 2 5 1, and the third resistant 39530 and first support 38008 and the second support 37727, third support 37244। और अभी बात करेंगे ये सिल्वर, आप देख सकते हैं सिल्वर, अगर सिल्वर आप डेली चार्ट देखें तो ये मैंने पहले आपको एक दिखा दिया, ये वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में थोड़ा आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में है मार्केट और एक रेंज में मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी भी वीकली डाउन ट्रेंड दिखा रहा है सिल्वर में, तो आप देख सकते हैं सिल्वर फुल्ली डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये एक रेंज में मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मार्केट रेंज में आ रहा है, राइट, एक रेंज में। तो इसको अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखें तो आपको एक रेंज मिलेगा वीकली में, जैसे ये एक वीकली एक रेंज है, राइट। तो ये रेंज में मार्केट आ रहा है, राइट। मार्केट थोड़ा नीचे आता है, उसका बाद जो मूविंग एवरेज का आसपास है वहाँ पर पुल अप करके लेके आता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ये वीकली में है। तो यहाँ से वीकली जो जितना करेक्शन देना था दिया, फिर से वीकली में मार्केट नीचे आने का चांसेस कर रहा है। यहाँ पे आप स्टोकेस्टिक भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको उठा के दिखा दूँ, स्टोकेस्टिक भी आपको एक कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाने वाला है, राइट। तो स्टोकेस्टिक और जो CCI मैंने यूज़ किया है, CCI भी फिर से वो ऊपर जीरो लेवल का ऊपर गया था, फिर से नीचे आने का चांसेस कर रहा है माइनस 100 की तरफ, और CCI भी ये कंफर्म कर रहा है मार्केट नीचे आने का। और यहाँ पे वीकली भी सो डाउन टर्न पैटर्न फॉर्म कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये वीकली का पैटर्न है। तो अगर हम डेली में देखें तो डेली में क्या हो रहा है, तो उसका ऊपर हम देखेंगे अभी, राइट। तो अभी हम जाता है डेली में, डेली में थोड़ा सा यहाँ पे अप ट्रेंड प्लेस हुआ था, फिर से ये डाउन ट्रेंड आ गया। तो यहाँ से जो एक रेंज हमें मिला था, यहाँ पे आपको एक रेंज मिला था डेली। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हायर हाई बना के हायर हाई बनाया था, राइट। ये एक फॉर्म में आया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर जो मेथड है, तो यहाँ से हमें स्टिल डाउन ट्रेंड कन्फर्म क्या हुआ है, अभी भी अप ट्रेंड हमें कंफर्मेशन नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले 200 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 150, ये 150, 100, 50 एंड 20 मूविंग एवरेज, तो स्टिल डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज फुल्ली फ्लैट में है, तो इसका मतलब है मार्केट साइडवे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हायर हाई बनाया था, यहाँ पे हायर हाई हायर लो, तो बाद में जो ये हायर हाई बनाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट हायर हाई बनाना एबल नहीं हुआ, तो इसमें एक रेजिस्टेंस बना दिया, राइट। तो बाद में एक ये हायर लो बना दिया, राइट। तो अगर अब अगर हम देखें ये जो रेंज है, ये रेंज में रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये डेली इसका नीचे ये जो रेंज है अराउंड आपका 3800 का आसपास, अगर इसमें मार्केट क्लोज हो गया, मुझे लगता है मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि डाउन टेन हमें अभी भी डाउन टेन कन्फर्मेशन मिला हुआ है डेली में, ठीक है। और ये CCI भी आप देख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप CCI भी देख सकते हैं, ये CCI जीरो लेवल क्रॉस करने लिया है। अगर एक बात आपको क्लियरली कन्फर्म करना चाहिए, अगर ये मार्केट इसका नीचे ओपन हो गया, राइट, क्लोजिंग और ओपनिंग इसका नीचे हो गया, और साथ में CCI भी ब्रेकआउट करके जीरो लेवल के नीचे आ गया, तो
सिल्वर बूम नीचे आने का हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो इसलिए इसको आप कंफर्म करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 4 आवर में देखें, तो अगर हम 4 आवर में देखें, तो 4 आवर में आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड में था, लेकिन 4 आवर में क्या हो रहा है अभी, यहाँ पे ये जो हायर हाई था इक्वल बनाया, तो ये लोअर हाई हुआ, लोअर हाई, हायर लो, उसका बाद हायर लो, लोअर हाई, बाद में ये देख सकते हैं आप रेंज ब्रेकआउट हुआ, ये जो हमें रेंज मिला, सॉरी ये जो हमें रेंज मिला, ये रेंज ब्रेकआउट हुआ ये कैंडल ने। अगर आज ये कैंडल नीचे आके यहाँ पे ओपन होगा कल, ठीक है, तो मुझे लगता है मार्केट नीचे बूम, ठीक है। तो इसलिए इसको आप कंफर्म करना चाहिए इसमें, राइट। ये हो गया आपका लॉन्ग पोजीशन के लिए, लॉन्ग मतलब आज का रिसर्च के लिए। तो अगर हम देखेंगे, अगर इसको 15 मिनट में क्या हुआ, तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट हुआ, रेंज ब्रेकआउट हो गया, राइट, रेंज ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। और ये जो मूविंग एवरेज का फॉर्मेशन है, तो 15 मिनट में ये क्लियरली डाउन ट्रेंड का कन्फर्म कर रहा है। तो मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है, क्योंकि ये हायर लो बनाया, तो इसको बोलता है अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्रेकआउट करके ये क्या बनाया, एक इम्पल्सिव वेव, ठीक है, इम्पल्सिव वेव, ये इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, ये तो अभी ये एक करेक्टिव वेव बनाना चाह, करेक्टिव वेव बनाने का कोशिश कर रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ से जाएगा, और जो रेजिस्टेंस लाइन, ये पहले सपोर्ट लाइन था, इसको रेजिस्टेंस लाइन बन गया, तो यहाँ पे जाके फिर से बाउंस बैक, राइट। तो ये क्या होगा, ये बनेगा हायर लो, ये H L, ये हो गया, सॉरी ये हायर लोअर हाई, सॉरी इसको बोलते हैं लोअर हाई, L H, ये होगा लोअर हाई, ये बनेगा, और ये हायर लो बन रहा है यहाँ पे हायर लो, वहां से फिर से मार्केट ऊपर, जो रेजिस्टेंस लाइन मूविंग एवरेज भी आ जाएगा यहाँ पे, तो एक 220 नहीं तो 50 का एक सपोर्टिंग ले लेगा यहाँ पे आके, तो लेके फिर से नीचे आने का चांसेस करेगा सिल्वर। तो इसलिए इसको आपको यहाँ पे कंसर्न होना चाहिए, राइट। तो ये देख सकता है, तो अभी अब 5 मिनट में अभी देखेंगे, तो अगर हम 5 मिनट में भी देखें, तो देख सकते ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड डिक्लेयर कर दिया 5 मिनट में, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा रिट्रेसमेंट देके फिर से नीचे आने का चांसेस है। तो सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।